निकली ना, किसी प्रकार का कोई गलत प्रकार की स्पिरिट जो है बाहर उसकी ऊपर कोई वैसी स्थिति ना उत्पन्न हो, और साथ ही साथ जो लोगों को कम से कम नशे की तरफ जो आगे बढ़े उसके संबंध के अंदर भी कोशिश की जाएगी, ये मैसेज भी दिया जा सकता है। देखिए अभी अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो भी पॉलिसी है उसके तहत जैसा आपने बताया लगभग 1/3 दुकानें हैं जो ऐसी हैं जिनका रिन्यूअल हुआ है। डेट बढ़ाई है, आने वाले समय के अंदर सभी जो डीओज हैं हमारे एसीज हैं उन सबको निर्देश दिए गए हैं कि अब सभी के सभी लोगों को मोटिवेट करें कि वो रिन्यूअल की तरफ जाएं। यदि रिन्यूअल नहीं होगा तो फिर हम ऑक्शन की तरफ जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि ऑक्शन या रिन्यूअल किसी के भी माध्यम से हम लोग सक्सेसफुल हो सकेंगे और उसके अंदर जो हमारी जो शॉप्स हैं उनको एक बहुत अच्छी नीति के तहत आगे चलाने की व्यवस्था कराई जा सके। इस बार 17,000 करोड़ का जैसे हमारा टारगेट है तो ये कोशिश पूरी की पूरी रहेगी कि आने वाले समय के अंदर जितना मैक्सिमम पॉसिबल है हम उस टारगेट को अचीव करें। अब देखिए अगर तो ऐसे कोई एरियाज चिन्हित किए गए हैं, एरियाज हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, कुछ ऐसे जगह हैं, गांव हैं जैसे आपने बताया है, उनके ऊपर अपन एक्शन प्लान बना के कोशिश करेंगे कि आने वाले समय के अंदर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, और साथ ही साथ जो अगर कोई कम्युनिटीज इसके अंदर लिप्त है तो उनका रिहेबिलिटेशन भी हो ताकि दोबारा इस कार्य के अंदर ना जाए। सर एक CCTV कैमरे सर दुकानों में लगे हुए हैं सर, उनकी मॉनिटरिंग नहीं होती सर, 5 साल से लगे हुए हैं सर इसके लिए सर, अब आप आए हैं सर क्या कुछ रहेगा नया आने वाले समय के अंदर, इसको भी देखें जो हमारे CCTV कैमरे यदि लगे हैं तो उसके अंदर क्या उसकी फीड है और क्या उसकी मॉनिटरिंग है उसकी भी कार्य करें। सर अवैध शराब रोकना एक बड़ी चुनौती है। हाँ देखिए अवैध शराब एक पब्लिक हजार्ड भी है, एक मॉरल हजार्ड भी है, और मेरा मानना है कि अवैध शराब यदि आती है तो हमारे लिए जनता के लिए भी समस्या है और राज्य के जो रेवेन्यू है उसके ऊपर लॉस होता है। मेरा मानना है कि उसके ऊपर जो कार्रवाई है जिससे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।